जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक में। मैं हूँ संध्या सक्सेना। मेरे दो चैनल हैं, एस्ट्रो संध्या सक्सेना के माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक चैनल और दूसरा है माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना। दोनों पे ही मेरी फोटो बनी हुई है, सेम। तो आप प्लीज़ उसको बेल आइकन दबा के यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने आपको पहले दुर्गा सप्तशी सुनाई थी, फिर मैंने श्रीमद्भागवत महाकथा पुराण पूरा सुनाया था आपको। अब मेरा दूसरा पुराण चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं शिव पुराण। ये मेरी तीसरी कथा है शिव पुराण की। सावन के महीने में मैं आप लोगों को मेरी तरफ से एक आशीर्वाद है। वो सभी लोग जो मुझसे कह रहे थे कि आप शिव पुराण के बारे में कुछ सुनाइए, तो शिव पुराण पूरा सुनाऊंगी। 11 इसके खंड हैं। 11 खंडों में पहले महत्व सिखाया था, बताया था दो कथाओं में, जिसको सुनने मात्र से कथाओं की आपकी इच्छा पूरी होती है। अब हम आगे की कथा पे जा रहे हैं, और जैसे आप जानते हैं कि इसमें 11 खंड है, और आज हम पहले खंड की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। इसमें 8 अध्याय हैं, तो मैं 8 अध्याय धीरे धीरे आपको सुनाऊंगी। तो आज हम प्रथम खंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता श्री गणेशाय नमः। हे गणेश जी महाराज, मेरी वाणी को शुद्ध करते हुए मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार पे कृपा करें। जो मैं ये शिव पुराण सभी को सुनाने जा रही हूँ, वो सभी लोग जो धीरेपूर्ण इस शिव पुराण की कथा को सुनने जा रहे हैं, उन सब पे कृपा करें कि उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। आप अपने हाथ में थोड़ा सा कच्चा चावल या थोड़ा सा कोई भी फूल लेके बैठेंगे और इस कथा को सुनेंगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा और इस स्कंद को बार बार सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती है। साल में कम से कम 2 बार आपको शिव पुराण पढ़ लेना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। सावन के महीने में पढ़िए, साथ में आप किसी खास पर्व पे पढ़ सकते हैं। आप इसको 2 बार 4 बार 6 बार 11 बार पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शिव पुराण का पान करते हैं, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो आज हम आपको जो पहला खंड सुनाने जा रहे हैं, प्रथम अध्याय, इसमें महर्षि शौनकादि का सुत जी से शंकर जी का महिमा सुनाने का आग्रह किया गया है। पूर्व काल में भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सुत जी महाराज श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम पे बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिवजी महाराज घोर तपस्या में विलीन हैं। उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने अनेक ऋषियों के साथ पधारते हैं, और वे सुत जी महाराज को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय से प्रसन्न होते हुए कहते हैं, हाथ जोड़ के, कि हे प्रभु, हमारी बाधाओं को दूर कीजिए, हमारे अज्ञान का नाश कीजिए, हमें घोर संकटों से बचाइए, हमें सौभाग्य दीजिए, हमें दर्शन दीजिए और हम पे कृपा कीजिए, हमारे पापों का अंत कीजिए, हमें सत्कर्म पे लगाइए, हमें कलयुग में जो भी पाप हैं उनका नाश कीजिए, प्राणी असत्यवादी धन का लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने वाला और कलयुग में प्रभाववश आदमी जब तब कर्म तीर्थ को छोड़कर पाखंड कर रहा है, व्यभिचारी हो गया है, इंद्रों का दास हो गया है, कुकर्मी हो गया है, भयंकर पापों में पड़ा हुआ है, और जो ब्राह्मण है वो अपनी धर्म को छोड़ते हुए क्षेत्रीय वैश्य और शूद्रों की तरह काम करने लगे हैं, और वैश्य भी अपना कार्य को छोड़ के वो पशुव्रत काम करने लगे हैं। इस तरह से सभी लोग गंदे हो गए हैं, खराब हो गए हैं। अतः तात्पर्य यह है कि सभी जातियाँ अपने कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग गए हैं, देव की अवहेलना करते हैं, कुल गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरुओं की अनादर करते हैं, उनके अंदर क्रोध भयंकर पाप आ गए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो भी क्षुद्रों समझ काम करने लगे हैं, समस्त का पाप ही पाप हो रहा है। अब आयु लोगों की कम होने लगी है और सब जगह मांस मदिरा वेश्यागमन होने लगा है, भ्रष्टाचार हो गया है, पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्रियों का समागमन करता है, स्त्री भी काम के वश में होकर अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के पास जाने लगी है, पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य एक दूसरे का निरादर करने लगे हैं, भोग विलास से सूरा का पूरा समाज हो रहा है, और
जो इस कलयुग में प्राणी है वो पाप और सिर्फ पाप और सिर्फ पापों में ही होता जा रहा है। तो हे भगवान, कलयुग में प्राणियों की सदगति किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उनका कल्याण हो, किस प्रकार से वो दीर्घायु हो, तो हे दयालु हम पे कृपा करें और वो मार्ग दिखाएं। भगवान श्री वेदव्यासी, भगवान महाराज वेदव्यासी महाराज के प्रिय शिष्य उन सबसे प्रार्थना करते हैं और उनको इस तरह के वचन कहते हैं। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सुत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी देर तक वो भगवान शंकर के ध्यान लगाने के बाद ध्यान धारण करके शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे बस शौनक तथा अन्य ऋषिगण, धन्य हैं आप लोग जो त्रिलोक के बारे में ऐसा सोचते हैं। सभी प्राणियों की आप लोग चिंतन करते हैं, सभी प्राणियों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसके लिए आप धन्य हैं, क्योंकि कलयुग में जो भी पाप हो रहे हैं आप उसको दूर करना चाहते हैं। और तब वो कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूँ जो है भगवान श्री महादेव, भगवान शंकर शिव शंभु शंकर महादेव, भस्म लगाने वाले प्रभु, जिनकी चरणों में जो भी प्रीति करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मस्तक पर भस्म लगाकर जो भी लेप लगवे भगवान शिव का ध्यान करता है शिवलोक की प्राप्ति करता है। भगवान शिव को नमस्कार करने वाला पुत्र और पोत्रों के द्वारा सौभाग्यशाली बनता है। हे ऋषिगण, मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं आपके सन्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की कथा कहता हूँ, जिसको सुनने मात्र से कलयुग के सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जिस तरह से गर्म तवे पर पानी की बूंद की छींटे मारने से पानी की बूंद नष्ट हो जाती है, इसी तरह से भगवान शंकर के चरित का गान करने से, पान करने से, उसको सुनने मात्र से, उसको पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान शिव के चरणों में जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग ध्यान लगाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं वो ब्रह्मघात से बच जाते हैं, हिंसा से बच जाते हैं, मदिरा पान और व्रत तोड़ने आदि के सभी पापों से विमुक्त होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो समाज में नहीं है। भगवान शिव शमशान घाट में भी रहते हैं, भगवान शिव कैलाश में विचरण करते हैं, वो खंडरों में विचरण करते हैं, भूत प्रेत आदि के साथ रहते हैं, तो वो समाज से परे हैं, इसलिए समाज का कोई भी नियम भगवान शिव को बांधता नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, व्रत टूट जाएगा, यदि आपके साथ कोई भी पाप हो जाता है, तो आप उसके प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव की आराधना जप करते हैं तो सारे के सारे पापों से आपको मुक्ति मिलती है। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के आसपास हमेशा भगवान शंकर रहते हैं और उनके आसपास कोई पाप को फटकने भी नहीं देते हैं। श्री सुखजी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सभी ऋषिगण बहुत ही खुश होते हैं और शौनक जी महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, श्री शिव जी महाराज के निर्गुण रूप कैसा है, हमें समझाइए वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से उनका उत्पन्न हुआ, कैसे उन्होंने अवतार को धारण किया और कैसे उनके भक्त उनके वश में हो जाते हैं, कृपा करके हमें भूत वर्तमान भविष्य की समस्त ज्ञानों को बताइए, जिससे कि हमें भगवान श्री शंभु से हमारी भेंट हो सके और हम अपने सभी पापों को दूर पकड़ सकें। तो इस तरीके से भगवान श्री शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे जीवन को सार्थक कीजिए और हमें पाप मोचन हे जगत पिता हमारे संकटों से उद्धार कीजिए। इस तरह से पहला अध्याय पूर्ण होता है। अब मैं आपको दूसरे अध्याय में नारद जी का तप करना और इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना और कामदेव का असफल होकर लौटना इसी कथा सुनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपति आप पे कृपा करें, आपने जो चावल हाथ में लिए थे इसको सुनने के बाद आप ये चावल अपने खाने के भोजन में मिला दीजिएगा, जिससे कि आपने जो भी कुछ सुना है इसका पूर्ण फल आपके द्वारा प्राप्त हो। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं तो खा लीजिएगा, आप पे प्रभु की कृपा होगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, गणपति महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। थैंक यू सो मच।